और 40 साल पुरानी शहरी पेयजल आपूर्ति योजना के मरम्मति के लिए वार्ड पार्षद समाना परवीन ने कसी कमर। वे जगह जगह पर जहां पर में पाइप में लीकेज है उसे मरम्मत कराने के लिए वे खुद निकल पड़े। वार्ड नंबर 8 की पार्षद सवाना परवीन एक बार फिर निकल पड़ी है मधुपुर की शहरी जलापूर्ति के पाइप के लीकेज की मरम्मति करवाने हेतु। उनका कहना है कि यह 40 साल पुरानी योजना है, जगह जगह पर लीकेज और डैमेज होना संभावित है। इस भीषण गर्मी में जहां कुएं और तालाब सूख रहे हैं, चापाकल खराब हो रहे हैं और जहां जलापूर्ति की नई योजना के शुरू होने में समय लगेगा, वहाँ इस पुरानी योजना को बचाए रखना ही पानी की समस्या का एकमात्र समाधान रह जाता है। पार्षद ने कहा कि 4 साल पहले एक वार्ड पार्षद होकर मुझे भी चापानल में पानी भरना पड़ा था, तभी मुझे पानी के महत्व का अंदाज़ा हुआ। फिर पानी के लिए लोगों की लंबी कतार और उनकी परेशान हाल देखकर मैंने ठान लिया कि जब तक जलापूर्ति की नई योजना का लाभ मिलना शुरू नहीं हो जाता, तब तक पुरानी योजना के तहत लोगों तक पानी पहुँचाने के लिए कोशिश करती रहूँगी। वहीं वार्ड पार्षद ने PhD के पदाधिकारियों, ठेकेदारों और कर्मचारियों को इस काम के लिए धन्यवाद दिया। इन स्थानों पर लीकेज बनवाए गए हैं, डालमियाकूट, बकरी बाजार व धर्मकांटा के पास पुल के नीचे और लॉपाला फैक्ट्री के पीछे लीकेज मरम्मति का काम किया गया। एक बार फिर आपके सामने पानी की समस्या को लेकर हाजिर हुई हूँ। एक बार फिर मैं धरना फाटक के करीब जो पुल है, आयसर टायर्स के बगल में, उनके नीचे आज फिर एक लीकेज नजर आया है। एक महीना पहले कुछ फीट दूर लीकेज बन चुका है, अभी फिर एक करीब 20 दिन पहले ये लीकेज हुआ है। और इसके अलावा डालमिया कूप के पास भी एक लीकेज नजर आया जो 20 दिन से करीब खराब था, बन नहीं पा रहा था। तो पदाधिकारियों को, SPHD के पदाधिकारियों से कहने पर एक बार फिर हमारे जो कारीगर हैं, जो मिस्त्री लोग हैं, वो लोग फिर से काम में जुट गए हैं। इतनी भीषण गर्मी में भी ये काम कर रहे हैं, देखिए कैसे लीकेज बना रहे हैं ताकि शहर को पानी पूरी तरह से मिल सके। अभी ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, ये काफ़ी अरसा गुजर गया है इस प्रोजेक्ट को चलते हुए, इसी वजह से ये जगह जगह डैमेज हो रहा है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि इनको बना बना के इनसे काम लिया जा सके, शहर को पानी पहुंचा सके। अभी नया जो प्रोजेक्ट है, जो 64 करोड़ का प्रोजेक्ट, अभी नया जो प्रोजेक्ट बन रहा है, स्टार्ट हो चुका है, वो करीब करीब ख़त्म होने को है, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि जो अभी शहर को पानी मिल रहा है इतनी गर्मी में, वो पानी मिलता रहे, पानी की कमी ना हो, हमेशा।